Hello everybody, welcome to this video lecture series on software testing designed by contract approach के लिए. Object oriented approach जो है वो आपका क्या कहती है कि designed by contract approach वहां से extracted है, जिसके अंदर modules होते हैं जिसको हम methods कहते हैं, methods in object programming, but module is more of a generic term, are defined in terms of preconditions and postconditions. Postconditions define what a module promises to do and that is compute a value, open a file, print a report, update a database record, change the state of the system, etc. Preconditions define what the module requires so that it can meet its postcondition. So, आपके पास design by contract में एक precondition है और एक postcondition है. ये आपका design by contract के अंदर इसको हम कहते हैं object oriented approach. For example, if we had a module called open file, what does it promise to do? Open a file. What would the legitimate preconditions of open file be? First, the file must exist. Second, we must provide the name or the identifying information of the file. Third, the file must be openable. That is, it can not already be exclusively opened by another process. And fourth, we must have access right to the file and so on. Yani ki agar hamare paas ek मॉड्यूल है उसका नाम है ओपन फाइल, तो उसके नाम से मैं पता लग रहा है उसका काम है फाइल को रीड करना, लेकिन उसके लिए मेरे प्री कंडीशन क्या क्या है हमारे पास. प्री कंडीशन ये है कि फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए. दूसरा, आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए. तीसरा, वो फाइल खुल सके, ऐसा ना हो कि वो उसको एक्सेस ही ना हो, उसको राइट ही ना हो उस फाइल को खोलने का, ठीक है. और उसके बाद वो खोल ले तो उसमें मॉडिफिकेशन के राइट भी उसके पास मौजूद हो. So precondition and postcondition establish a contract between a module and others that invoke it. So preconditions or postconditions में हम इस तरह की तमाम conditions को note down करते हैं कि कौन कौन सी condition की base पे क्या क्या हमारे पास output आ सकता है. And that is what you call design by contract approach. तो हम design by contract approach की बात करते हैं तो उसके ऊपर base करती है हमारे पास दो approaches. एक है testing by contract. Testing by कॉन्ट्रैक्ट. टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? इट्स अप्रोच टू क्रिएट टेस्ट ओनली फॉर द सिचुएशंस इन विच द प्री कंडीशंस आर मेट. यानी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ऊपर बेस करते हुए बनाया गया है टेस्टिंग के लिए. उस टेस्टिंग के अंदर हमारे पास दो फिलोसफीज हैं. एक फिलोसफी कहलाती है टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी हम आगे चल के देखते हैं. तो जो पहली फिलोसफी है टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कहती है कि सिर्फ वो टेस्ट करो जो प्रीकंडीशन के हिसाब से हैं. डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रीकंडीशंस होती हैं और पोस्ट कंडीशंस होती हैं, राइट. तो ये हमें टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट कहती है कि जो प्रीकंडीशन में चीजें गिवन है सिर्फ उसको टेस्ट करो. फॉर एग्जांपल, वी वुड नॉट टेस्ट द ओपन फाइल मॉड्यूल व्हेन द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. प्री कंडीशन में यह गिवन था कि अगर ओपन फाइल मॉड्यूल की आपने टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए फाइल का एग्जिस्ट होना शर्त है, वो एक प्री कंडीशन है. तो जब हम टेस्ट करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि फाइल वहां पे मौजूद थी, उस बेस पे टेस्टिंग करेंगे. हम ये चीज नहीं देखेंगे वो टेस्ट फाइल वहां पे मौजूद नहीं थी. द रीजन इज सिंपल, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओपन फाइल डज नॉट प्रॉमिस टू वर्क. सो प्री कंडीशन ये थी कि ये फाइल यहां पे मौजूद होगी तो ये मॉड्यूल चलेगा. तो टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ वही चीज चेक करेंगे जो हमें गाइडलाइंस दी गई थी. देयर इज नो क्लेम दैट इट विल वर्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, देयर इज नो नीड टू टेस्ट अंडर दैट टेस्ट कंडीशन. So, इसमें प्रॉब्लम क्या है? At this point, testers usually protest. Yes, they agree the module does not claim to work in that case. But if the preconditions are violated during the production, what does the system do? Do we get a misspelled word on the screen or a smoking crater where our company used to be? अब उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप let's talk about warranty. आप अपना मोबाइल परचेज करके लेके आते हैं, नया मोबाइल लिया आपने. अब नया मोबाइल लेने के बाद जब आप लेके आते हैं उसमें वारंटी है, ठीक है जी, 6 मंथ वारंटी है या 1 ईयर वारंटी है. लेट से 2 महीने के बाद आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा होता, आप लेके जाते हैं टेस्ट करवाते हैं कि जी वारंटी में मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तो आगे से क्या जवाब आता है? जी इसका तो बोर्ड उड़ गया. तो बोर्ड तो वारंटी बोर्ड अगर उड़ जाए तो वो वारंटी के क्लेम में नहीं होता. ये क्या बात हुई? क्योंकि प्री कंडीशन उस वारंटी की ये थी, उसके टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट की प्री कंडीशन ये थी कि जी बोर्ड नहीं उड़ना चाहिए. बोर्ड उड़ने का मतलब है कि लाइट फ्लक्चुएशन हुई थी या वट एवर, जिसकी वजह से बोर्ड उड़ गया, हमारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. यानी कि जो गाइडलाइंस थी
हमें उसके हिसाब से ही आपको वारंटी क्लेमिंग देंगे, वरना हम आपको वारंटी क्लेम नहीं देंगे। सेकंड अप्रोच इज डिफेंसिव डिजाइन, ठीक है। सेकंड अप्रोच इज डिफेंसिव डिजाइन। डिफेंसिव डिजाइन का ये मतलब है कि इन दिस केस द मॉड्यूल इज डिजाइन टू एक्सेप्ट एनी इनपुट। इफ द नॉर्मल प्री कंडीशन आर मेट द मॉड्यूल विल अचीव इट्स नॉर्मल पोस्ट कंडीशन। इफ द नॉर्मल प्री कंडीशन आर नॉट मेट द मॉड्यूल विल नोटिफाई द कॉलर बाय रिटर्निंग एन एरर कोड और थ्रोइंग एन एक्सेप्शन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड। दिस नोटिफिकेशन इज यूजुअली इज एक्चुअली अनदर वन ऑफ द मॉड्यूल्स पोस्ट कंडीशन। Based on this approach, we could define defensive testing as an approach that tests under both normal and abnormal preconditions. So, एक approach testing by contract, दूसरी approach defensive testing. Testing by contract कहता है अगर precondition सही है तो मैं सिर्फ वही test करूंगा जो मेरी preconditions meet हो रही है, that's it. Defensive approach ये कहती है कि अगर मेरी precondition meet नहीं भी हो रही तो मैं उसको भी टेस्ट करूंगा। इसको अगर हम आसान जबान में समझना चाहें या कोई भी और एग्जांपल लेना चाहें तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, लेट्स से आपने बनाया फोर फंक्शन कैलकुलेटर और आपने ये अज्यूम किया कि फोर फंक्शन कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चार हमारे पास फंक्शन है तो और प्री कंडीशन यही है कि जो यूजर है वो इन चार फंक्शन को इस्तेमाल करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और किसी और जो है ना सिंबल को वो प्रेस नहीं करेगा। तो अगर आप अपने इस सॉफ्टवेयर को इस कैलकुलेटर को टेस्ट करोगे तो आप ये अज्यूम करोगे कि जो यूजर है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही प्रेस करेगा, कुछ और प्रेस नहीं करेगा और उसकी बेस के ऊपर अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो ये आपकी टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप ये भी टेस्ट कर रहे हो कि यूजर अगर इन चार सिंबल के अलावा कोई और चीज सिंबल प्रेस कर दे, यानी कि वो लेट्स से बैक स्लैश प्रेस करते, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते, क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दे तो क्या होगा। अगर आप ये भी टेस्ट कर रहे हो जो कि प्री कंडीशन के अलावा है तो इसे हम कहते हैं डिफेंसिव टेस्ट, डिफेंसिव डिजाइन या डिफेंसिव डिजाइन टेस्ट, ठीक है, डिफेंसिव टेस्टिंग या डिफेंसिव डिजाइन टेस्टिंग, ठीक है। किस तरह अब इक्विवेलेंस क्लास की गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। व्हेन इनपुट कंडीशन स्पेसिफाइज अ रेंज दैट इज वन वैलिड एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिफाइंड। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इक्विवेलेंस क्लासेस बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप एक रेंज देंगे और उस रेंज के एक तरफ वैलिड होगी और एक तरफ इनवैलिड रेंज होगी। इफ इनपुट कंडीशन रिक्वायर स्पेसिफिक वैल्यू वन वैलिड एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिफाइंड। अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हैं जैसे कि डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे थे हम, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू आपकी वन वैलिड हो गई बाकी सारी इनवैलिड हो गई। इफ एन इनपुट कंडीशन इज बूलियन वन वैलिड एंड वन इनवैलिड क्लास इज डिफाइंड। अगर बूलियन है टू फॉल्स के ऊपर चल रहे हैं तो हमारे पास एक वैलिड और एक इनवैलिड क्लास होगी। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। टेस्ट केसेस फॉर इनपुट बॉक्स एक्सेप्टिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 यूजिंग इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रेंज है वन इनपुट डाटा क्लास विद ऑल वैलिड इनपुट्स, टेक अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द रेंज 1 to 1000, इनपुट डाटा क्लास विद ऑल द वैल्यूज बिलो लोअर लिमिट दैट इज एनी वैल्यू बिलो 1 एज एन इनवैलिड डाटा टेस्ट केस, इनपुट डाटा विद ग्रेटर वैल्यू देन 1000 टू रिप्रेजेंट थर्ड इनवैलिड क्लास। अगर हमारे पास 1 से लेके 1000 तक की एक क्लास है जिसके ऊपर हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें 3 क्लासेस चाहिए, एक 1 से छोटी वैल्यूज इनवैलिड क्लास, 1 से लेके 1000 वैलिड क्लास और 1000 से ऊपर इनवैलिड क्लास। तो इस तरह हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग जो है किस तरह में हेल्प आउट करती है, कैन इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट मस्ट बी क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड। क्योंकि आप क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास और आप कैटेगोरिकली इसको कहते हैं कि अगर इस क्लास में से कोई एक भी वैल्यू लोगे तो सबके लिए बराबर होगी तो आपके नंबर ऑफ टेस्ट कम हो जाते हैं। इट इज मोस्ट सूटेड टू सिस्टम्स इन विच मच ऑफ द इनपुट डाटा टेक्स ऑन वैल्यूज विद इन रेंज और विद इन सेट्स। रेंज की अगर रेंजेस के अंदर बात हो रही है तो इसके लिए ज्यादा सुटेबल है। इट मेक्स द असम्पशन दैट डाटा इन द सेम इक्विवेलेंस क्लास इज इन फैक्ट प्रोसेस्ड इन द सेम वे बाय द सिस्टम। द
The simplest way to validate this assumption is to ask the programmer about their implementation. Equivalence class testing is equally applicable at the unit, integration, system and acceptance level test, which is a black box testing technique. All it requires are inputs or outputs that can be partitioned based on the system's requirements. So let's look at test case of grocery store. Consider a software module that is intended to accept the name of a grocery item and a list of different sizes the items comes in, specified in ounces. The specification states that the item name is to be alphabetic characters 2 to 15 characters in length. Each size may be a value in the range of 1 to 48, whole numbers only. The sizes are to be entered in ascending order, that is smaller sizes first. A maximum of 5 sizes may be entered for each item. The item name is to be entered first, followed by a comma, and then followed by a list of sizes. A comma will be used to separate each size. Spaces, that is blank spaces, are to be ignored anywhere in the input. So, ये हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसकी बेस के ऊपर हमने क्या करना है, हमने क्लासेस बनानी है. तब इसमें से हमने जब क्लासेस बनाई, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई, तो there can be many 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 equivalence classes. तो उस पैराग्राफ में से हमने जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई है वो ये बनाई है. आइटम नेम इज अल्फाबेटिक तो ये वैलिड होगा. इफ आइटम नेम इज नॉट अल्फाबेटिक तो ये इनवैलिड होगा. ये हम इक्विवेलेंस क्लासेस बना रहे हैं अभी. आइटम नेम इज लेस देन 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ये इनवैलिड होगी. आइटम नेम बिटवीन 2 एंड 15 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ये वैलिड होगा. Item name is greater than 15 characters in length, ये भी invalid होगा. Size value is less than 1, invalid. Size value is in the range of 1 to 48, valid. Size value is greater than 48, it is invalid. Size value is a whole number, it is valid. Size value is a decimal, invalid. Size value is numeric, valid. Size value includes non-numeric characters, invalid. Size values entered in ascending order, valid. Size values entered in descending order, invalid. No size values entered, invalid. 1 to 5 size values entered, valid. More than 5 sizes entered, invalid. One item, item name is first, that is valid. Item name is not first, invalid. A single comma separates each entry in the list, valid. A comma does not separate two or more entries in the list, invalid. So, and so on. The entry contains no blanks, the entry contains blanks, there's not problem because in both the cases it is valid because any spaces or blanks are ignored, and there can be many many more derived classes from it, derived equivalence classes. So based upon these derived equivalence classes, what can you do? You can create test data. These are the test data. XY comma 1, it is following the rules given in the derived classes. So the expected outcome is true, and you covered the following classes for this 1, 4, 7, 9, 11, 13 and so on. Similarly, we have another test case where we give the name like this. It is again true because it is following the covered classes as mentioned over here. A2x, 1, expected outcome is false because of class number 2, which says item name is not alphabetic. It is an invalid class. ये हमारा false हो गया, ठीक है? A comma 1, it is again false because of class number 3. Why? Because class number 3 says item name is less than 2 characters in length, then it will be invalid. और यही काम हो रहा है, and so on. तो इस तरह हम पूरा check, हमने equivalence classes बनाई, उस equivalence classes के ऊपर हम testing कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी equivalence class के ऊपर हमारा test case rely कर रहा है. So, we have another example, banking problem by using ECB. A savings account in a bank has a different rate of interest depending on the balance in the account. In order to test the software that calculates the interest due, identify the ranges of balance values that earn the different rates of interest. For example, 3% rate of interest is given if the balance in the account is in the range of $0 to $100. 5% rate of interest is given if the balance in the account is in the range of $100 to $1,000. 7% interest is given if the balance in the account is $1,000 and above. So we are applying the ECP technique, that is equivalence class partitioning technique. What do? We have classes. We take some random values, -5, 50, 150, 1050, and
We check what will be the expected output depending upon the ranges, and we can write. So what do we do? हमने इतना सारा टेस्ट किए, 13 टेस्ट हमने एक रैंडमली ले लिए, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं थी इतना सारा टेस्ट करने की, क्योंकि हमारे पास तीन क्लासेस थी। हमारे पास तीन क्लासेस थी, कौन कौन सी वैलिड क्लासेस हमारे पास तीन थी, के 3% वाली, 5% वाली और 7% वाली, और एक हमारे पास इनवैलिड आ गई इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हम रेपिटेशन को एक्सक्लूड करके सिर्फ हर क्लास में से एक एक वैल्यू को टेस्ट करेंगे, तो हमारा काम इस तरह बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे भी चेकआउट करें, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इफ द बैलेंस इन द अकाउंट इन द रेंज ऑफ 0 to 100, यानी कि 0 से कम वाले का एक क्लास हो गई 0 से नीचे वाली, एक क्लास हो गई 0 से लेके 100 तक, ये हो गए दो क्लासेस, तीसरी क्लास हमारी हो गई 100 से लेके 1000 तक, और चौथी क्लास हमारी हो गई 1000 एंड अबव, यानी कि ग्रेटर देन 1000। तो हमारे पास एक इनवैलिड क्लास दैट इज लेस देन 0 और तीन वैलिड क्लास, तो हमें टोटल सिर्फ 4 टेस्ट करने की जरूरत थी पीसीबी के थ्रू अपने डाटा को चेक करने के लिए। तो हमें डुप्लीकेट्स को डिलीट कर देना चाहिए, जैसे कि यहां पे हमने 13 टेस्ट किए थे तो उसमें डुप्लीकेशन हो रही थी, तो हमने सिर्फ जो है वो 4 टेस्टों की जरूरत थी, एक इनवैलिड रेंज के लिए और तीन वैलिड रेंज के लिए। वी हैव अनदर प्रॉब्लम, द नेक्स्ट डेट प्रॉब्लम यूजिंग ईसीपी टेक्निक। सपोज इनपुट क्लासेस हमारे पास जो है वो क्या है कि डे है, डे में हमारे पास D1, D2, D3, D4 है। D1 जो है वो डे बिटवीन 1 to 28, उसको हम D1 कहेंगे, D2 हम कहेंगे 29 डेट को, D3 हम कहेंगे 30 डेट को, और D4 हम कहेंगे 31 डेट को। मंथ हमारे पास तीन किस्म के महीने हैं, तो M1, M2, M3, 30 डेज वाले जो महीने हैं उनको हम M1 कहेंगे, 31 वालों को M2 कहेंगे, और फरवरी को हम M3 कहेंगे। ईयर हमारे पास दो किस्म के हैं, लीप ईयर होगा या नहीं होगा, अगर वो लीप ईयर है तो उसे हम Y1 कहेंगे, लीप ईयर नहीं होगा तो उसे हम Y2 कहेंगे। ठीक हो गया। आउटपुट क्लासेस हमारे पास है इंक्रीमेंट डे, रीसेट डे, इंक्रीमेंट मंथ, इंक्रीमेंट ईयर, एंड वी हैव इनवैलिड मंथ। तो इसमें हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हमारे पास टेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन है। तो हम टेस्ट केस वन क्या है कि हम M1 और Y1 को टेस्ट करेंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा कि डे को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, क्यों? D1 क्या है हमारे पास 1 से लेकर 28 तक, M1 क्या है हमारे पास 30, ठीक हो गया, और Y1 क्या है हमारे पास लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर है तो क्या करें, लीप ईयर है तो एक डे को इंक्रीमेंट कर दे। सिमिलरली D1, M1 एंड Y2, उसमें भी वो D1, M1, Y2, उसमें वो इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, ये हमारी इक्विपमेंट की क्लास है, एंड सो ऑन, दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग। तो अगर हम उसके तमाम के तमाम स्पेक्ट्रम को चेक करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट? सो हम क्या करते हैं, हम ईसीपी के हिसाब से ही बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल को अगर मैं फर्दर डिटेल में लिखूं ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज D1, व्हाट इज M1 एंड व्हाट इज Y1, तो हम वैल्यूज के साथ भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। कि पहला टेस्ट हमारे पास क्या हुआ इक्विवेलेंस क्लास के हिसाब से, कि D1 हमने 15 वैल्यू ले ली, M1 हमने 4 ले लिया, ईयर हमने 2004 ले लिया। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होगी, इसीलिए इसको कहते हैं नेक्स्ट डेट। ये नेक्स्ट डेट हमारी क्या होगी, अगर 15/4/2004 है तो अगली डेट हमारी 16/4/2004 होगी। ठीक है, अगर ये 15/4/2003 होगी तो नेक्स्ट डेट हमारी 16/4/2003 होगी, राइट? इस तरह अगर हम नंबर फाइव की बात करें, नंबर फाइव क्या कहता है कि 15 फरवरी 2004, तो नेक्स्ट डेट हमारी जो है वो 16/2/2004 बनती है। ठीक है, अगर हम ये बात करें E12 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास E12 में क्या आता है, 29/2/2003, तो ये हमारी एक इनवैलिड डेट है। ठीक है, तो इस तरह हम एक इक्विवेलेंस क्लासेस के हिसाब से हम टेस्ट आउट कर सकते हैं, एंड वी नीड टू ओनली चेक 24 टेस्ट केसेस एज कंपेयर टू अगर हम तमाम की तमाम वैल्यूज को चेक करना चाहें तो। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।